हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप आजकल क्या कर रहे हो ज़रूर बताना। तो मैं आपको अपने साथ अपने खेतों में ले जा रही हूँ, वहाँ हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ये आपको सब कुछ मैं आज बताती हूँ कि हमारे आजकल क्या काम चला हुआ है। तो जी, हमारे चला हुआ आजकल खेतों में काम मक्की की तोड़ाई करने का। तो ये देखो, ऐसे हम काटते हैं और इसको लगभग 5-6 दिन ना ऐसे रखने हैं, और तो 5-6 दिनों के बाद इससे हम मक्की निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम जितने दिन ज़्यादा रखेंगे ना इसको, तो उतने ही दिन मतलब कीड़ा नहीं लगता मक्की में। तो पहले के तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, बहुत बहुत दिन मतलब मक्की को काटनी और रख देनी और महीना महीने के बाद निकालनी। तो बहुत अच्छा उनका एक साइंटिफिक तरीका था देखो। और अब हमारे को पता चला हुआ कि देख मतलब क्यों रखनी चाहिए। और तो ये देखो, बहुत अच्छी फसल है। और इसमें हमने ना कोई किसी किस्म की खाद, यूरिया, कैन कुछ नहीं डाला हुआ है। सिर्फ हमने बीजा उपचार करा था और गंजीवामृत खेतों में डाला था। तो और इसमें हमने किसी भी किस्म की कोई ना स्प्रे करी हुई है, ना इसमें कोई बीमारी लगी हुई थी। जैसे कई बार ना कईयों के वो लगी हुई थी दूसरी बीमारी, कीड़ा लगा हुआ था ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। और खेतों के मेड़ों के ऊपर या मतलब ऐसे जो कहीं पेड़ है ना, तो वहाँ हम मतलब साग सब्जी भी लगा देते हैं, जैसे कद्दू है, घिया और ककड़ी, और मतलब ऐसे है ना भी लगा देते हैं साथ में खेतों में। तो अच्छा, एक मुझे बात आज याद आई कि पशुओं को है ना जो लिंपिंग बीमारी क्या चली हुई है, वैसे ही आदमियों को भी चली हुई है। तो मैं तो अपने चैनल के माध्यम से सभी के लिए, जो हमारे पशुपालक के भाई बहनें, तो अगर उनकी गाय को या किसी भैंस को है, तो वो मतलब अपना दूध बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमियों में और बच्चों में बहुत ज़्यादा लगी हुई फैलने बीमारी। तो इसलिए हमारे को ना मतलब सावधान हो जाना चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो ये देखो, ये है जी लोकल खीरा, जिसको ककड़ी बोलते हैं ना। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, और कोई सफेद रंग की है, कोई पीले रंग की है, बहुत लगी हुई है मतलब। ये देखो खेतों में, कोई लाल रंग की है। वैसे खाने को बहुत टेस्टी होती है, देखने को होती है ना बहुत बड़ी बड़ी, पर खाने को अच्छी होती है। तो आजकल आप लोग बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आपके भी मक्की का तोड़ने का काम चला हुआ है। और हमारे तो अब दूसरी फसल के लिए ना हमने खेत तैयार करने हैं। तो अभी वैसे राजमा मतलब पूरे तरीके से पके नहीं हुए, और मगर फिर भी ना हमारे को अब खेत खाली करना ही पड़ेंगे। तो हमने वैसे तो मक्की को ना लाइन में लगाया था, मगर ये गिर गई है ना, तो अब लाइन में दिक्कत रही नहीं। तो एक लाइन मक्की की और एक लाइन हमने राजमा की लगाई थी, मगर राजमा हमारे बहुत ही कम हुए। आप बताना क्या आपके हुए है कि हमारे ही ऐसा हुआ है। कुछ जैसे चाड़ा होता है ना, वैसे चाड़ा जैसा लग गया था, और बहुत ही कम हमारे मतलब राजमा हुए। हमने पहाड़ी राजमा लगाए थे। तो ये देखो, मक्की बहुत अच्छी है वैसे, तोते चिड़िया वगैरह ने तो खाई हुई है, मगर फिर भी बहुत अच्छी है। तो ये देखो, बिना खाद मैल के मतलब हमने खाद वगैरह कुछ नहीं डाली हुई है, जो हम प्राकृतिक डालते हैं ना हम, तो वही हमने डाला हुआ है। ये देखो अभी कच्चे राजमा, तो ये देखो
तो ये देखो मैं हमने ना चार खेत हमने काट दिए और रख दिए, और 5 6 6 दिन बाद ना हम इनको मतलब जैसे जैसे जिसको 5 6 दिन हो जाएंगे ना वैसे वैसे हम निकालते रहेंगे मक्की। तो और ना हम मतलब देखो ये है जी धुआं लाया हुआ हमने, मतलब जो उपले होते हैं ना गाय के गोबर के उसके मतलब धुआं ताकि मच्छर नहीं आए। तो ये देखो और ये हमने सूए बनाते हैं हम लकड़ी के ना, इसके साथ हम मक्की निकालते हैं। तो ये देखो हमने सारी की सारी मतलब 3 खेत काट दिए और चौथे खेत को हम लगे हुए। तो आप बताना कि आजकल क्या आपके भी मक्की तैयार हो चुकी है? तो ये देखो बिल्कुल तैयार, ऐसा होता है मतलब बिल्कुल तैयार हो जाती है ना। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना, और बताना कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसा मौसम है। ये भगवान ने अब बहुत शुक्र है कि मतलब बारिशें नहीं हो रही है, और वरना हमारा काम रुक जाता। तो इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय किसान, जय हिंद।